डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। अपना टॉपिक चल रहा है अवकलनीयता। अपना टॉपिक है डिफ्रेंशिएबिलिटी अवकलनीयता। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके सामने दिया गया है fx = इतना, tx = 0 पर इसे कंटीन्यूअस प्रूफ करना है। ये कह रहा है कब, जब m की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, और ये कह रहा है बिंदु x = 0 पर अवकलनीय सिद्ध करना है कब, जब m इज़ ग्रेटर दैन 1 होता है। चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सांतत्यता के बारे में बात करते हैं। तो दिया गया फलन आपको ऑलरेडी मालूम ही है क्या है, ये फलन आपके सामने है। सांतत्यता के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए f0, आपको चाहिए rf0 और आपको चाहिए lf0, और तीनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तभी आप क्या कह सकते हैं कि दिया गया फलन x = 0 पर सांतत्य है। चलो हम सबसे पहले निकालेंगे f0। अगर हम f0 निकालेंगे तो इसका मतलब x की वैल्यू आप 0 रखोगे तो f0, x = 0 पर fx की वैल्यू कितनी है 0, अर्थात f0 की वैल्यू कितनी है 0। तो आप वही लिख दिए, x = 0 पर जो f0 की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है बेटा। अब 0 के अतिरिक्त जैसे मान लो 0 प्लस h लिया आपने या 0 - h लिया, दोनों ही केसेज में फलन की वैल्यू आपके सामने a वाली है। तो आपने f0 प्लस h के लिए भी यही फंक्शन ले लिया और x के स्थान पर 0 प्लस h लिख दिया, और f0 - h के लिए भी आपने यही सेम टू सेम फलन ले लिया और x के स्थान पर 0 - h रख दिया। ठीक है, रखने के बाद में आपको तीनों वैल्यू मालूम हो गई। अब निकालना है rf0। आपने अब क्या निकालना है, rf0। तो देखो rf0 कैसे निकालेंगे, आपको निकालने का तरीका मालूम ही है कि आप लिखते हो लिमिट x → 0 प्लस fx, और उसके बाद में लिमिट s → 0 f0 प्लस h। f0 प्लस h की वैल्यू आपने अभी निकाल ही ली है, क्या निकाली है वो आपको मालूम है, इतनी वैल्यू आपने निकाली हुई है। ये आपके सामने क्या है, f0 प्लस h, इसी वैल्यू को ले आकर के आपने यहाँ पर रख दिया, तो आपके सामने ये इतना इक्वेशन आ गया और इसको आपने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब बेटा हम लिखेंगे lf0। lf0 में वही सेम टू सेम, यहाँ f0 - h की वैल्यू रख देंगे, f0 - h की वैल्यू आपके हमने ऊपर निकाली हुई है, ए वैल्यू है। अब बात इस बात की है कि हमें इस फलन को संतत कहना है और वो संतत कब होगा, इसके बारे में हमें विचार करना है। तो आपको मालूम है कि ए फलन संतत तभी होगा जब rf0 = lf0 = क्या हो जाए, f0। तो आपके सामने क्या है, x = f0, f0 वैल्यू क्या है, 0। इसका मतलब हमारा rf0 भी क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए, और lf0 भी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी af0 के बराबर होंगे और तभी ये सांतत्यता की कंडीशन प्रूफ करेंगे। चलो हम लोग देखते हैं। अब देखो फिलहाल तो आपके सामने rf0 की वैल्यू कितनी है, h·m cos1/h। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं अपने m पे डिपेंड करेंगे, क्योंकि h की वैल्यू अगर यहाँ डायरेक्टली अगर 0 कर दी जाएगी तो ये m पे डिपेंड करेगी। अगर मान लो m की वैल्यू जो है अपने पास में, m की वैल्यू मान लो अपने पास में 0 से छोटी है, देखो यहाँ पर 0 से छोटी है, तो h की पावर m के स्थान पे हमारे पास में जैसे मान लो 0 से छोटा हमने ले लिया = -1, तो h की पावर कितनी होगी, -1 = होगी बेटा 1/h, 1/h हो गई। अगर m की वैल्यू 0 से छोटी ले ली तो h की पावर m कन्वर्ट हो गया अपना 1/h में। अब इस 1/h में जब h के स्थान पे 0 पुट करोगे तो ऑब्वियस है कि a वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके सामने 1/0 हो जाएगी, और 1/0 वैल्यू होती है इनफाइनाइट, तो अब हमारा ये वैल्यू क्या होगी, 0 बराबर कभी भी नहीं आएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। तो इस कारण से a वैल्यू तो m की वैल्यू 0 से छोटी तो ले नहीं सकते। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या आती है कि m की वैल्यू हम क्या ले लें, m की वैल्यू अगर हम 0 के बराबर ले लें तब देखो क्या आएगा। m की वैल्यू अगर बेटा 0 के बराबर ले लो तो आपके सामने जो h की पावर m है उसकी वैल्यू हो जाएगी h की पावर 0। h की पावर 0 का मतलब होता है 1, इसका मतलब यहाँ पर आ गया अपने पास में 1 × cos 1/h। ठीक है ना। अब cos 1/h, अब h के स्थान पर 0 पुट करोगे तो cos 1/h की वैल्यू क्या होती है, फाइनाइट होती है, जो कि -1 से +1 के बीच में कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ पर तो हमें क्या है, 0 ही मात्र लाना है, लेकिन m = 0 पर अपने पास में जो ये
फंक्शन है वो cos 1 बाई h में चेंज हो गया और इसको जब 0 पर पुट कर दिया तो माइनस 1 और प्लस 1 के बीच में कुछ भी आ रहा है, इसका मतलब कोई डिफिनिट वैल्यू नहीं है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि m बराबर 0 भी फेल हो गया। अब बलता क्या है, अपने पास में तीसरा ही केस बचता है m इज़ ग्रेटर दैन 0। अगर m की वैल्यू 0 से बड़ी रख लोगे, जैसे मान लो आपने m की वैल्यू रख दिया 1, तो h की पावर 1 हो गया। अब h की पावर 1 में अगर h टेंडिंग टू आप 0 रखोगे तब ये वैल्यू क्या होगी, 0। और 0 इंटू, अब आपके सामने यहाँ cos 1 बाई h है, जिसको h बराबर 0 रखने पर वैल्यू किसके बीच में आएगी, माइनस 1 से प्लस 1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू आएगी, और जिसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू तभी संभव है 0 के बराबर जब m की वैल्यू क्या हो जाए, 0 से बड़ी हो जाए। उसी प्रकार से बेटा अपने LF0 में भी यही सेम टू सेम कंडीशन है कि अगर m की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तभी ये वैल्यू 0 के बराबर होगी, अन्यथा 0 बराबर नहीं होगी। तो यही कंडीशन हमें प्रूफ करने के लिए बोल रहा था। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन शांत तभी होगा जब अपने पास में m की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, और तभी ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर होंगी। यही हमें प्रूफ करना था। अब अगला कंडीशन है बेटा, अपने आप को क्या करना है, अवकलनीय प्रूफ करना है। किसके लिए प्रूफ करना है, x इक्वल टू 0 के लिए प्रूफ करना है। चलो इसको भी देख लेते हैं। तो ये अवकलनीय के लिए आप जानते हो क्या निकालते हो, RF-0 निकालते हो, फिर आप ये वैल्यू रखते हो। ये वैल्यू आपकी हमने F0+H भी निकाली है, F0 भी निकाली है और H भी है, तो ये वैल्यू आपने यहाँ पर प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद में AH यहाँ है और H की पावर M यहाँ है, तो H की पावर M और नीचे आपके सामने H है, तो एक घात अगर ऊपर जाएगी तो आपके सामने हो जाएगी H की पावर M माइनस 1। तो यही चीज़ हमारे पास में आ गया और एक cos 1 बाई H को हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। अब ये तो हमारा राइट हैंड लिमिट हो गया। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, LF-0 F0 माइनस CH और माइनस F0 अपॉन 0 माइनस H, इतना आ जाएगा। अब F0 माइनस H की जो वैल्यू है उसको ला करके हमने यहाँ प्लेस कर दिया, यहाँ F0 की वैल्यू ला करके प्लेस कर दिया, यहाँ 0 माइनस H है, यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो अपने पास में A वैल्यू आ गई। अब आपको मालूम है कोई फलन X=0 पर अवकलनीय तभी होगा जब RF-0 की वैल्यू इजिकल टू क्या हो जाए, LF-0, अर्थात राइट हैंड डेरीवेटिव इजिकल टू क्या हो जाए, लेफ्ट हैंड डेरीवेटिव। और ये जो वैल्यू आनी चाहिए बेटा वो फाइनाइट आनी चाहिए, कभी भी इनफाइनाइट नहीं आनी चाहिए, एक निश्चित वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखो अब इसमें कंडीशन हमें RF- और F-0 बराबर करना है। देखो RF- और F-0 सिर्फ एक ही कंडीशन में बराबर होंगे, और वो कंडीशन क्या होगी कि अगर ये जो पावर है m-1, अगर ये पावर जो है m-1, अगर ये मान लो 0 से बड़ी है, जैसे मान लो m-1> 0 का मतलब हो गया m की वैल्यू 1 से बड़ी। m की वैल्यू अगर 1 से बड़ी ले लें, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने m=2 ले लिया, तो यहाँ m=2 ले लोगे तो क्या हो जाएगा, h की पावर 2-1, अर्थात ये हो गया h, ठीक है ना। क्या आ गया, h आ गया, तो मतलब ये हो गया, पूरी की पूरी वैल्यू देखी जाए तो आपके सामने h cos 1/h हो गया, ठीक है। अब यहाँ h के स्थान में 0 पुट करोगे तो a तो 0 हो गया, और cos 1 बाई h के स्थान में 0 रखोगे तो -1 से +1 के बीच में कोई वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, कुल मिलाकर के आपके सामने आ जाएगी 0। तो इस तरीके से आपके सामने ए वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब इससे छोटी या इसके बराबर आप वैल्यू रखो, जैसे इससे छोटी या इसके बराबर अगर आप वैल्यू रखते हो, दोनों ही केसेस में जैसे आपके सांतत्ता में ऊपर देखा था आपने ए इनफाइनाइट दे रहा था, वैसे ही इसमें भी देगा, और दूसरे वाले केस में -1 से +1 के बीच में देगा, जो कि एक निश्चित वैल्यू नहीं है, इस कारण से उस पर अवकलनीयता हमें प्रूफ नहीं करेगा, ये सिर्फ प्रूफ करेगा m-1> 0 के लिए। तो इस तरीके से लास्ट में हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन अवकलनीय तो होगा x=0 पर, लेकिन तब होगा जब m=1 हो, ठीक है। अगली वाली कंडीशन में हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट वाले में। कोई फंक्शन आपके सामने दिया गया है और इसमें इस चीज़ को अपने आप को अवकलनीय बताना है कि अवकलनीय है या नहीं, ये जाँच करनी है। चलो शुरू करते हैं। अपने पास में ये फंक्शन है, सबसे पहले तो हम अवकलनीयता के लिए F0 निकालेंगे जो कि आपके सामने है। F0+H निकालोगे तो फंक्शन ए हो जाएगा, और F0-H निकालोगे तो पुनः यही फंक्शन होगा, क्योंकि x≠0 है, ठीक है। अब आपने क्या किया बेटा, RF-0 निकाला, तो RF-0 में क्या होता है, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 F0+H-F0/H। अब वैल्यू देख लो आप RF-0 में क्या लिखोगे, RF-0 में आपने क्या लिखा है,
एफ डैश जीरो में, तो एफ जीरो प्लस एच के स्थान पे तो इनको लिखना है, एफ जीरो के स्थान पे तो इनको लिखना है, नीचे एच के स्थान पे तो एच ही हो जाएगा। तो वही सेम टू सेम कंडीशन आपके सामने हो गई है कि आर एफ डैश जीरो में आपके सामने ए फार्मूला, इसके बाद ए वैल्यू प्लेस हो गई माइनस इतना। अब देखो बेटा, अगर आप डायरेक्टली एच के स्थान पर यहाँ जीरो प्लेस कर दोगे तो वन अपॉन वन प्लस ई की पावर वन बाई जीरो, यहाँ भी जीरो हो जाएगा, ई की पावर वन बाई जीरो क्या होगा, ई की पावर इनफाइनाइट आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आपके सामने क्या हो गया जीरो, और इसको आप बराबर करोगे तो वन अपॉन जीरो इंटू वन प्लस ई की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई, और वन प्लस इनफाइनाइट इज़ अ इनफाइनाइट, तो जीरो इंटू इनफाइनाइट हो गया। और जीरो इंटू इनफाइनाइट क्या होता है, अनिधार्य केस होता है, क्या होता है, अनिधार्य, इन अनडिटर्मिनेंट या अनडिफाइंड, अनडिफाइंड केस है, ये निश्चित डिफाइंड केस नहीं है। तो आप लोग लिमिट आपके सामने यहाँ पर है, तो इसका मतलब आपको डिफाइंड वैल्यू के रूप में लाना पड़ेगा, इस रूप में तो आप लिख ही नहीं सकते, तो इस कारण से आपको क्या करना पड़ेगा, आपने इसको डिफाइंड रूप में लाने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, इसको ये तो आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हमने ओपन कर दिया, खोल दिया। तो e की पावर x की वैल्यू आप लोग सब कोई जानते होंगे, e की पावर x की वैल्यू होती है वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस डैश डैश डैश, ए वैल्यू आपके सामने होती है। अब यहीं पर अगर वन बाई एच हो जाएगा तो जहाँ जहाँ एक्स है वहीं पर अपने पास में वन बाई एच हो जाएगा, तो वही फार्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया, तो ए वैल्यू इतनी दूर में आ गई, और ए वन है तो यहाँ वन आ गया, और एच है तो एच आ गया। ठीक है बेटा, अब हमने एक काम किया, ए देखो एक एक हो गया दो, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दो एच आ जाएगा, इनको इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो वन बाई एच आ जाएगा, इनको इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब हमने एच के स्थान पे जीरो प्लेस कर दिया बेटा, तो यहाँ तो टू इंटू जीरो जीरो हो गया, वन अपॉन जीरो इनफाइनाइट आ गया, और ए भी इनफाइनाइट हो गया डैश 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 इज इक्वल टू वन अपॉन जीरो प्लस इनफाइनाइट, किसी भी चीज़ को इनफाइनाइट में जीरो जोड़ो तो हमेशा क्या आता है, इनफाइनाइट आता है, तो वन अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो आ गया, जो कि फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है ना, लिमिट की वैल्यू आपके सामने आ गई। ऐसा ही काम बेटा अपने राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी करना है, सेम टू सेम फार्मूला लिख दिया, और एफ जीरो माइनस एच की वैल्यू आपके सामने निकाली है मैंने इतनी है, और एफ जीरो की वैल्यू इतनी है, और माइनस एच तो आपका ऑलरेडी यही है, वही सेम टू सेम कंडीशन। अब इसको यहाँ ला के रख देंगे तो अपने पास में ए वैल्यू आ गई। फिर इसमें भी अगर हम डायरेक्टली बात करेंगे तो डायरेक्टली में क्या है, अनिधार्य रूप ले लेगा, अनिधार्य रूप लिमिट के लिए यहाँ पर जो लिमिट है आपके सामने दी गई है, ये लिमिट जो आप निकाल रहे हो इसमें अनिधार्य रूप के रूप में आप रख नहीं सकते, है ना। लिमिट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक निश्चित वैल्यू होनी चाहिए, तो अपने पास में वही चीज़ सॉल्व करेंगे, तो इसको हमने वन प्लस वन बाई ई की पावर वन बाई एच स्क्वायर निकाल लिया, और इनको हमने सॉल्व कर लिया जैसे पहले वाले सॉल्व किया, तो आपके सामने इसमें भी क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, तो यहाँ भी जीरो आ गया आपके सामने, यहाँ भी जीरो आ गया, जी में भी जीरो आ गया, दोनों में जीरो आ गया, तो इसका मतलब आर एफ डैश जीरो इज इक्वल टू एल एफ डैश जीरो इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। अतः दिया गया फलन क्या है, हमारा एक्स इज इक्वल टू जीरो पर अवकलनीय है। आपके इस वाले एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन में पीछे आंसर मिस्टेक दिया है, उसको आप दूर कर लेंगे, आपका सोल्यूशन यही होगा। चलेंगे आगे, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में बेटा अपने पास में क्या दिया गया है, एक वैल्यू है ए, जब एक्स की वैल्यू एक या एक से छोटी होती है, एक्स की वैल्यू एक से बड़ी होती है, तब अपने पास में फंक्शन इतना होता है, प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है, तो फलन एक्स इक्वल टू वन पर अवकलनीय है, अतः एक्स इक्वल टू वन पर सांतत्य। अब देखो अपने पास में चेक करना है कि दिया गया फलन ए आपके सामने फंक्शन है, प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है, तो एक्स इज इक्वल टू वन पर भी ये अवकलनीय होगा, निश्चित है, ये क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन है आपके सामने कि दिया गया फलन प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है, तो निश्चित है एक बिंदु x इक्वल टू वन भी है, इस पर भी अवकलनीय है। आपको m और n की वैल्यू ज्ञात करनी है, इसमें ध्यान रखना है। तो ध्यान दो, एक बात मैं आपको बता दूं, कोई फलन अगर अवकलनीय है तो निश्चित ही वो क्या होता है, शांतत्य होता है, ये आप जानते हैं। तो हमने m और n की वैल्यू ज्ञात करनी है, इसी कारण से इसमें हम दो इक्वेशन बनाएंगे। तो अगर ये फलन सांतत्य है तो हम लोग x इक्वल टू वन पर इसके सांतत्यता पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले x इक्वल टू वन पर लेंगे तो फलन की वैल्यू ये हो जाएगी, और x से वन से छोटा लेंगे तब भी फलन की वैल्यू ये हो जाएगी, और एक से बड़ा लेंगे तब अपने पास में फंक्शन ए वाला हो जाएगा। चलो हम लोग रखते हैं x इक्वल टू वन रखते हैं, देखो x इक्वल टू वन रख दिया तो आपके पास फंक्शन ए हो गया,
वन प्लस एच रखा तो आपके सामने फंक्शन ए हो गया, और वन माइनस एच रखा तो बेटा आपके सामने फंक्शन ए हो गया। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। सिंप्लीफाई करेंगे आर एफ वन इज इक्वल टू क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंड टू वन प्लस एफ एक्स, ये फार्मूला है। एफ वन प्लस एच की वैल्यू आपके सामने आई है एन प्लस एन एच प्लस टू, यहाँ रख दिया तो आपके सामने ये वैल्यू आ गई। इसके बाद बेटा आप निकालते हो एल एफ वन निकालोगे तो आपके सामने वही सेम फिर आपके सामने यहाँ एफ वन माइनस एच आ गया, तो इसकी वैल्यू उठा के रख दिया आपने यहाँ पर, फिर एच के स्थान पर जीरो पुट कर दिया तो आपके सामने एम प्लस फोर आ गया। अब चूंकि दिया गया फलन सांतत्य है, इसका मतलब ए वैल्यू बराबर क्या होगा, ए वाली वैल्यू हो जाएगा इज इक्वल टू एफ वन हो जाएगा, वही मान हमने यहाँ पर रख दिया। तीनों वैल्यू बराबर करेंगे तो आपके सामने हो गया एन माइनस एम इज इक्वल टू टू, ये वैल्यू अपने सामने आ गई। ठीक है, एन माइनस एम इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, टू आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लिए, एन माइनस एम इज इक्वल टू, ये आपका पहला इक्वेशन आ गया। अब चूंकि दिया गया फलन एक्स इक्वल टू वन पर अवकलनीय भी है, क्या है, अवकलनीय भी है, तो हम उसका भी विचार करेंगे, उससे एक अलग इक्वेशन निकालेंगे। तो अवकलनीयता के लिए अब हम दिए गए फलन को अवकलनीयता के लिए चेक करेंगे। आर एफ डैश वन फार्मूला बिल्कुल सेम है वैसे जैसे आप करते हो। एफ़ वन प्लस एच आपने अभी निकाल ही लिया है, उसका मान हमने यहाँ रख दिया, एफ़ वन की वैल्यू का मान यहाँ रख दिया, एच का वैल्यू यहाँ रख दिया। इनको बेटा हमने सॉल्व कर लिया, ब्रैकेट ओपन कर लिया, तो आपके सामने कुल मिलाकर के रिजल्ट जो आ गया लास्ट में वो आ गया एन माइनस एम माइनस टू प्लस एन एच। अभी आपने ऊपर ही समीकरण नंबर ए में एन माइनस एम की वैल्यू निकाली थी, कितनी, टू निकाली थी, तो यहाँ पर आपका हो गया टू, तो माइनस टू और प्लस टू क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचे गया एन एच अपॉन एच बच जाएगा, इनसे कट जाएगा तो आपके सामने एन आ जाएगा। इसको आपने कोई एक इक्वेशन, इसको ही मान लिया पी, इसको नाम दे दिया आपने क्या, पी दे दिया। ठीक है, अब एल एफ डैश वन भी निकाल लेंगे बेटा इसी तरीके से, तो आपके सामने ये फार्मूला बिल्कुल क्लियर है। एफ वन माइनस एच की वैल्यू यही है, वो आज ऊपर हमने निकाला ही है। एफ वन की वैल्यू आपके सामने एम प्लस फोर है, ये आपके सामने हमने निकाला ही है। अब इनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे बेटा, तो आपके सामने इनको सिंप्लीफाई करने पर इतना आ गया, इनको करने पर इतना आ गया। अब यहाँ m से m कट गया, 4 से 4 कट गया, माइनस फाइव एच प्लस एच स्क्वायर अपॉन माइनस एच आ गया। अब बेटा यहाँ h कॉमन ले लिया तो अपने पास में h माइनस फाइव अपॉन माइनस वन आया, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके सामने कितना आ गया, 5 आ गया। अब चूंकि फलन दिया गया है कि हमें x इज इक्वल टू आपके सामने जो वैल्यू है 1 है उस पर क्या है, अवकलनीय, अतः हम लिख सकते हैं कि आर एफ डैश वन इज इक्वल टू क्या होगा, एल एफ डैश वन। ठीक है, तो आपके सामने एल एफ डैश वन, आप हमने वही काम किया, ए बराबर कर दिया, और आपके सामने देखो, आपके सामने जो वैल्यू थी कौन सी वैल्यू, आपके सामने एल एफ डैश वन तो हो गया 5, और आर एफ डैश वन कितना है, एम है, तो एम की वैल्यू कितनी आ गई, 5, सॉरी एन है, आर एफ डैश वन ए जो है आपके सामने n है, और ये जो है 5 है, तो आपके सामने 5 आ गया। n बराबर वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। अब चूंकि आपको एक चीज़ मालूम है, समीकरण नंबर ए में n माइनस एम इज इक्वल टू कितना हो था, आपने कितना ज्ञात किया, 2 ज्ञात किया था। अब यहाँ n की वैल्यू 5 रख देंगे तो अपने पास में m की वैल्यू ऑलरेडी मालूम हो जाएगी, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ए वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अपनी ए वाली एक्सरसाइज जो है हमने 6.2 को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब आपके सामने जो है एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली बची है, और इसके पहले एग्जांपल्स आपके सामने शेष हैं। एग्जांपल्स आप लोगों को खुद ट्राई करना है, अगर प्रॉब्लम आए तो पूछना है, और कई ऐसे क्वेश्चन हैं वो क्या है कि आपके सामने छूट गए हैं, उन क्वेश्चंस को आप खुद ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। अगर प्रॉब्लम आती है देन आप क्या करेंगे, उसको आस्क करेंगे, ठीक है, और उसका सलूशन लेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, धन्यवाद।